सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अरविंद और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायरबोल्ट के एक और नए स्मार्ट वॉच के बारे में जो कि है फायरबोल्ट ग्लेडिएटर। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको स्मार्ट वॉच खरीदना चाहिए या फिर नहीं, क्या स्मार्ट वॉच पैसा बर्बाद है, तो सब कुछ जो है डिटेल्स में बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस स्मार्ट वॉच के फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों फीचर्स की बात करूं तो यहां पर हमें जो है 1.96 इंचेस का बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साइज आदि हमें जो है 600 का नीट ब्राइटनेस देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें हमें जो है 85% लेस बेजल देखने को मिल, यानी कि दोस्तों इस स्मार्ट वॉच में आपको नहीं के बराबर बेजल देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए दोस्तों इसके ब्लूटूथ कॉलिंग के फीचर्स की, तो यहाँ पर हमें जो एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हमें जो डायल पैड और कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें स्मार्ट वॉच के अन्य फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको जो है क्रैक रेजिस्टेंट, डस्ट रेजिस्टेंट और स्प्लैश रेजिस्टेंट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ हमें जो है 123 स्पोर्ट मोड देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस स्मार्ट वॉच में हमें गूगल असिस्टेंट और सीरी जैसे फीचर्स को आप इनेबल कर पाओगे। बात की जाए दोस्तों इस स्मार्ट वॉच के बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर हमें जो अप टू 7 डेज का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों 10 मिनट चार्ज करने पर ही आपको पूरे एक दिन के लिए चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बात की जाए दोस्तों इसके मेन्यू की यानी कि यूआई की, तो यहाँ पर हमें जो 8 मेन्यू लेआउट देखने को मिल जाते हैं जिससे आप अपने स्मार्ट वॉच को डिफरेंट डिफरेंट लुक में कस्टमाइज कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों इस स्मार्ट वॉच में हमें वर्किंग क्राउन भी देखने को मिल जाता है जो कि इस स्मार्ट वॉच का प्लस पॉइंट रहने वाला है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि दोस्तों आपको यह स्मार्ट वॉच खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, चलिए अब हम फाइनली बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस स्मार्ट वॉच के हेल्थ फीचर्स की। तो दोस्तों हेल्थ फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर हमें जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्पीओ2 मॉनिटरिंग और स्लीप मॉनिटरिंग भी देखने को मिल जाता है। साथ ही हमें जो IP67 का वाटर रेजिस्टेंट भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर भी हमें देखने को मिल जाते हैं जैसे कि वेदर अपडेट, कैलकुलेटर, ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर, अलार्म, कैमरा कंट्रोल और साथ ही साथ इनबिल्ट गेम भी इस स्मार्ट वॉच में हमें देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट दोस्तों ये स्मार्ट वॉच अगर 3000 रुपये के अंदर आता है तो आपके लिए बेस्ट स्मार्ट वॉच होने वाला है। अब फाइनली दोस्तों हम बात करेंगे कि आपको स्मार्ट वॉच खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों 3000 रुपये में आपको जितने भी स्मार्ट वॉच मार्केट में देखने को मिल जाते हैं उन सारे स्मार्ट वॉच में से ये स्मार्ट वॉच आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों 3000 रुपये में देखिए आपको इतना बड़ा सा डिस्प्ले किसी भी स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी दोस्तों अगर आप ये स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हो तो इस स्मार्ट वॉच का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इस स्मार्ट वॉच को खरीद सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।